श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के तैयारियां अब जोरों पर है। तस्वीर भी आपको दिख रही है कि कितना खूबसूरत ये नजारा होने वाला है। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ श्रुति सिंह। आज हम आ गए हैं पटना के इस्कॉन मंदिर में, जहाँ राधे राधे का जो जयकारा है वो शुरू हो चुका है और लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर जो भक्तगण है वो आ चुके हैं। हरे कृष्णा के जो जयकारे हैं वो देख सकते हैं कि जोर शोर पर ये हो चुका है शुरू और यहाँ जो भक्तगण की भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से श्री कृष्ण के जो भक्तगण है वो यहाँ पर मौजूद है। और कौन टेंपल, कौन मंदिर कह सकते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण के भक्त नजर आ रहे हैं और यहाँ जोर शोर से भजन चल रहा है। आप सुन सकते हैं कि ये भजन कितना मन मोहने वाला है। यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, अभी उनसे बात भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर भजन भी होता है, नाच गाना भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और यही उत्साह देखने के लिए, यही नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। चूंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन है वो बहुत करीब है और श्री कृष्ण के भक्त आप देख ही सकते हैं कि पूरा नजारा जो है वो मन मोहने वाला है। कुछ ही देर में यहाँ पर भजन आरती फिर से शुरू होगी और लोग झूमेंगे और नाचेंगे। आप देख सकते हैं कि नजारा कितना मन मोहने वाला है। लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये देखिए बच्चे जो है वो झूम रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से झूम रहे हैं लोग। जयकारे लगा रहे, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा, बहुत आनंद आ रहा, बहुत अच्छा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और यहाँ पर किसके किसके साथ? बच्चे हैं, बेटी है। श्री कृष्ण पर विश्वास ही इतना जी जी, वो एंजॉय के लिए बहुत बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण के नारे भी लगा दिए। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरे राधा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पर बहुत सारे यूथ भी हैं, उनसे भी बात कर। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और बहुत अच्छे से जो है वो जयकारे लगा रहे। जय श्री कृष्णा बोलो, जय राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे के नारे लगे। हरि बोल, क्या बोल रहे? हरि बोल, हरि बोल। यहाँ हमेशा आती है जी? कैसा लग रहा है? मैं तो यहाँ की सेवक हूँ। तो यहाँ पर देखिए भक्तगण जो है मौजूद है और जयकारे जो है हरे कृष्णा हरे राधे के लगाए जा रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। युद्ध देख सकते हैं आप, ये जो युद्ध का नजारा है, चूंकि राधे कृष्ण की जोड़ी कह लीजिए या श्री कृष्ण का जन्म कह लीजिए, लोगों में उत्साह जो है वो देखने को बन रहा है काफी भारी मात्रा में। यहाँ पर जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी मौजूद हैं। हमेशा आते हैं यहाँ? हाँ, कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। श्री कृष्ण पर विश्वास ही ऐसा है कि अच्छा लग रहा है? या डेफिनेटली, ईश्वर के प्रति लोगों का विश्वास है जो यहाँ तक खींच के लाता है लोगों को। अभी यहाँ का माहौल, भजन आरती सारी हो गई। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे भजन आरती होते रहता है हमेशा। यहाँ का भोग या प्रसाद कभी खाया? हाँ, बिल्कुल खाया, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। राधे पे ज्यादा विश्वास है कृष्णा पे? कृष्णा पे, राधे पे, दोनों पे। एक बार जय श्री राधे, राधे राधे कृष्णा के जयकारे लगा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहाँ से आए हो? पटना में ही रहते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी मंदिर जाते हो या फिर यही? नहीं, यहाँ पहले भी मंदिर जाते हैं। जो माहौल है वो कैसा? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और भगवान का नाम भी कीर्तन हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और सारे भक्त नाच भी रहे हैं, मतलब पॉजिटिव माहौल है। काफी पॉजिटिव
करीब हो गया हूँ। यहाँ का प्रसाद है? प्रसाद कई बार आ चुके हैं, दो तीन बार आ चुके हैं प्रसाद। अच्छा लगता है यहाँ पर भी डांस कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनके साथ भी नाच पाऊँ। और बच्चे तो छोड़िए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़के कितना ज्यादा झूम रहे, चुकी जो लड़कों के झुंड होते हैं, लड़के जहाँ पर होते हैं वो मंदिर के पास कम नजर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यूथ कह सकते हैं या लड़के कह सकते हैं कि नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यहाँ के संतुष्ट, यहाँ सुकून मिल रहा है आपके। इतने आवाज में भी सुकून है? बहुत ज्यादा सुकून है यहाँ, अच्छा लगता है यहाँ, बहुत सुकून मिलता है, मन शांति मिलता है। जय श्री राधे के नारे लगा, जय श्री। तो सभी में वो खुशी देखी जा रही है, देख सकते हमारे सहयोगी से गुजारिश करूंगी कि तस्वीर यहाँ भी दिखाइए कि हरे कृष्णा हरे रामा। ये देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले भी आते हैं यहाँ? हाँ यहाँ आते हैं, हो जाते हैं। इस फोन कौन टेम्पल से जुड़े हुए हैं और यहाँ रोज आते हैं कीर्तन करने, भजन कीर्तन भी करते हैं। हाँ हाँ, एक बार जय श्री कृष्ण के नारे लगा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे के जो जयकारे हैं वो लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीर इतनी अच्छी है कि जय श्री कृष्ण राधे राधे के नारे, यहाँ पर पूरा नजारा काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। जन्माष्टमी की तैयारी तो देखते बन रही है, जो नजारा है वो काफी मन मोहने वाला है। पीछे भक्तगण नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सारी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, और राधा रानी के और जय श्री कृष्णा के भी जयकारे लगाए जा रहे हैं। इस मंदिर के या इस्कॉन टेम्पल के गुरु कह सकते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। सबसे पहले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जन्माष्टमी को लेकर के क्या तैयारी? आप देख रहे हैं भगवान धीरे धीरे सब सजावट चालू है, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, अभी से उत्साह है लोगों में, लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं भगवान का, और भगवान का जितने भी साज सज्जा है सब आ रहा है, सब लगे हुए हैं लोग, प्रसाद की व्यवस्था सब पहले से चालू हो गया है, पेड़ा बनना सब बनना अलग अलग, तो सब लोग उत्साह में हैं। कल के बाद काफ़ी मात्रा में आपको दिखाई देगा, और 26 तारीख को लोग आप समझ सकते हैं सवेरे से शाम तक लोग झूला झुलाएंगे भगवान का। यानी कि कह सकते हैं कि तैयारियां एकदम जोरों पर है, और भक्तगण अब कल से दो दिन तक पूरा रौनक दिखाई देगा। जी बिल्कुल, हम लोग
सवेरे से लेकर शाम तक केवल मीटिंग ही कर रहे हैं हम लोग, कैसे इसको अच्छा बनाया जाए, कैसे सुरक्षा बनाया जाए, कैसे ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए। बिहार सरकार हम लोग सब मिल करके इसको प्लान बनाए हैं। हम लोगों ने ये भी प्लान बनाया है कि 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगा, जो पॉकेट मार वगैरह इस सब कोई संभावना ही नहीं रह जाए कि वो आए अंदर। आएगा भी तो निश्चित रूप से पकड़ में आएगा। तो ये सब सब लोग दर्शन करें, लाइनें लगेंगी, आप देख रहे हैं औरतों का और पुरुष का अलग अलग लाइन होगा, लाइन वहाँ से ही लग जाएगा सीढ़ी से। सब लोग दर्शन करेंगे, भगवान फूलों से सज जाएंगे और लाइटें वगैरह सब लग रहे हैं धीरे धीरे, और काफ़ी ये आनंद का विषय है, लोग आनंद में आएंगे, दर्शन लेंगे। श्री कृष्ण तो विराजमान है ही, लेकिन 2 दिनों के बाद जो लल्ला है, जो श्री कृष्ण का जो कहते हैं भगवान तो रहते ही है, लेकिन उस दिन स्पेशल डे है, विशेष दिन है। कोई कोई दिन ऐसा होता है जैसे आपका आप साक्षात हैं लेकिन जन्मदिन आप मनाते हैं, तो भगवान है, भगवान का जन्मदिन है, तो भगवान से लोगों को अपने आप को जोड़ना है और वो आनंद अपने जीवन में सदा के लिए बनाए रखना है। तो जब तक भगवान से हम संबंध नहीं स्थापित करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, वो हमारे लिए विशेष दिन है, तो जीवन में आनंद कहाँ से आएगा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, देख सकते हैं नजारा कितना खूबसूरत है। भक्तगण कतार में लगे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, और एक बार आपको फिर से दर्शन कराते अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगी, आग्रह करूंगी कि एक बार श्री कृष्ण राधे का दर्शन करा दिया जाए। यहाँ पे राम लला विराजमान है, भगवान राम, सीता, माता सीता, लक्ष्मण जी, और यहाँ विराजमान है हनुमान जी भी। इसके ठीक बगल की अगर बात कर ले तो कृष्ण जी भी विराजमान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत से साज सज्जा जो है वो की गई है, जो दृश्य है वो देखने को बन रहा है और काफी मन मोहने वाला ये दृश्य। सकते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात करूं तो काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, तैयारियां भी जो है वो जोरों पर दिखाई दे रही है। यहाँ के गुरु जी ने बताया कि सिक्योरिटी की भी चर्चा की जाए तो 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई, और अगर भक्तगण की बात कर ली जाए तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें और भक्तगण काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। और यहाँ जो तस्वीर है, ताली बजाना या नाचना गाना सभी जोरों पर नजर आ रहा है। बिल्कुल तस्वीर देख लीजिए कि मान मोहने वाली है। यहाँ पर काफी जो भक्तगण है वो बैठकर तालियां बजा रहे हैं, लेकिन एक दृश्य जो है वो काफी मान मोहने वाला, आंखों से उतर नहीं रहा है जो ये नाच गाना कर रहे हैं। श्री कृष्ण जयकारे लगा रहे। तस्वीर देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत है कि श्री कृष्ण में रम गए हैं बिल्कुल। जय श्री कृष्ण के नजारे आप देख ही सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से, जहां मैं अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पा रही हूँ, वहां ये जो भक्तगण है किस तरीके से रोक पाएंगे।
कुछ ही दिन भर, मुझे लगता है कुछ ही समय में यहाँ पर जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो बिल्कुल इसी तरीके से मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़के और भक्तगण की बात कर ली जाए तो कोई महिला या पुरुष या बच्चा नहीं होता, भक्तगण अपने आप में भक्तगण होते हैं और श्री कृष्ण रमने वाले होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि कितना खूबसूरत माहौल है, जो बिल्कुल रम गए हैं श्री कृष्ण में। देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से यहाँ पे नृत्य किया जा रहा है। घर यानी गर्भगृह का जो दृश्य था वो तो आपने देख ही लिया कि कितनी ज्यादा भक्तगण लाखों हजारों की संख्या में मौजूद हैं और नाच गाना कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राधे के जयकारे लगा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कह सकते हैं कि बिल्कुल मग्न हो चुके हैं। यहाँ पर भी काफी भक्तगण हैं, आप भी मौजूद हैं अंदर, तो काफी बालक नजर आ रहे हैं। कहते हैं भक्त में महिला पुरुष या बच्चे नहीं होते, भक्त भक्त होते हैं। आप भी यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आए, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। बाल बच्चे जितने भी हैं सब परिवार हम लोग आए हुए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी को मनोकामना पूरा करें, यही मेरा। हमेशा आते हैं? हाँ बराबर, कभी कभी सब आते रहते हैं। दो दिन के बाद कह रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। अच्छा, दो दिन के बाद यहाँ कहा जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के तैयारी जोरों पर है, तो क्या उस दिन भी आएंगे ऐसे? अब देखिए, भगवान बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। भगवान का बुलावा होता तो आ ही जाते। हाँ बिल्कुल, आ ही जाते हैं सर। श्री कृष्ण से प्रेमी एकदम एकदम प्रेमी है सब। राधे राधे के जयकार, राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल, हरे राम गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भी जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा। हमेशा आती हैं? नहीं, आए थे जनवरी में, अब आए। तो यहाँ का जो दृश्य, लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ श्री कृष्ण के नाम से खींचे चले आते हैं और यहाँ जो दृश्य रहता है, नाचना गाना सारी चीजें, तो कैसा लगा आज आके? बहुत अच्छा, सुकून मिलता है। श्री कृष्ण के साथ कैसा हमेशा से रिश्ता रहा है? चूंकि जो महिलाएं होती हैं उनका श्री कृष्ण से जुड़ाव थोड़ा ज्यादा रहता है। रहता है। जन्माष्टमी पे क्या कर रही है? जन्माष्टमी हम लोग भी करते हैं। आज कैसा लगा यहाँ पर का माहौल? बहुत अच्छा, बहुत आनंद। तो माहौल काफी अच्छा है। बहुत। किसके किसके साथ आए? भाई के साथ और एक बेटी है हमारी, उसके साथ। बेटी को पसंद है कृष्ण जी? बहुत। हम तो लड्डू गोपाल रखे हुए भी हैं। तो घर पे भी लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, काफी लड़कियां भी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? खुशी कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 11। क्लास 11th में यहाँ आए हो आज, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्ण को मानते हो? हाँ। कितना? बहुत। कितना? बहुत बहुत ही बहुत, उसका कोई अनंत ही नहीं है। और क्या क्या सुना है श्री कृष्ण के बारे में? श्री कृष्ण, शर्मा रहे हो? बहुत मजा आया यहाँ का, यहाँ आकर सबको आना चाहिए। बहुत लवली, बहुत अच्छा जगह है, मजा आया, बहुत शांति मिला। इतने शोर में भी शांति कैसे मिल जाती है? अरे भक्त को हर जगह शांति मिलता है ना, तो कह सकते हैं जयकारे से शांति। जयकारे से और इतना भव्य है, दर्शन मात्र से ही शांति मिल जाती है, और क्या है? कहते हैं कि जहाँ शोर होता है लेकिन जहाँ भगवान होते हैं तो दर्शन एकमात्र से ही शांति मिल जाती है। ये कॉरिडोर का भी नजारा, एक बार अपने सहयोगी को कोशिश करूंगी बोलने की, कि ये कॉरिडोर भी काफी खूबसूरत है। कहाँ से आई है? हम कुरथौल से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण को कितना मानते हैं?
बहुत मानते हैं, डेली हम लोग पूजा करते हैं। डेली पूजा करती हैं? तो जन्माष्टमी पे पूजा कीजिएगा कि नहीं? हाँ जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। तो यहाँ आज नाच गाना किए? वो तो हम इतने बड़ा भक्त है कि जब मैं पानी भी पिलाती हूँ तो कृष्णा जी पी लेते हैं। पी लेते हैं? हाँ पी लेते हैं। तो कृष्ण जी पानी भी पी लेते हैं कह रहे हैं, तो श्री कृष्ण की महिमा ही ऐसी है। यहाँ पर देख सकते हैं काफी महिलाएं और काफी लोग मौजूद हैं, भक्तगण का यहाँ तांता लगा रहता है, कहते हैं रोज आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। हरे कृष्णा हरे राधे, हरे कृष्णा हरे राधे के जयकारे जो है वहाँ नजर आ रहे हैं। भक्तगण अभी से ही यहाँ पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं और जो माहौल है वो काफी खूबसूरत हो चुका है। तो जन्माष्टमी को लेकर के पूरे कशिश न्यूज की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और एक बार सभी को राधे राधे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।